हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं टीके सिन्हा, आप लोगों को मैथ्स का जो भी डाउट्स होगा, प्रॉब्लम्स होगा, वो ठीक कराने की कोशिश करूंगा। अभी मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स बहुत वीक है, वो लोग ऑनलाइन का क्लास ज्वाइन जरूर कर रहे हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर दो दिन, चार दिन, दस दिन, एक महीना क्लास कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है। बार बार कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो वैसे सारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो लगातार आप देखें और उसमें हम लोग एकदम जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। हम लोग ये ध्यान में रख के चल रहे हैं कि आपका मैथ्स बहुत वीक है और उसके बाद धीरे 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 बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश हम लोग का ये रहेगा कि एग्जाम का 100% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। तो इसी में हम लोग जो चैप्टर लेके चल रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। और पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा था कि परसेंट है क्या। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, यानी बटा 100। 20% 20/100, 5% 5/100, 40% 40/100, यानी डिनोमिनेटर, यानी हर, यानी नीचे अगर 100 है तो उस बट्टा 100 को ही परसेंट कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखें कि एक एजेंट जो है, एन एजेंट सेल्स गुड्स ऑफ वैल्यू 2764, व्हाट इज हिज कमीशन एट 12.5%। कितना आसान छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो जो लोग एकदम नए हैं, जिनका मैथ्स बहुत वीक है, घबराना नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक लेवल्स है और हम लोग का सही होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। उसको 12.5% पर उसका कमीशन क्या होगा, 12.5% पर उसका कमीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 27 कमीशन और ये वैल्यू है ₹2764। इतना का सामान बेचा और कह क्या रहा है कि इतना का सामान बेचने पर 12.5% कमीशन मिलेगा। तो इनटू 12.5%, और मैंने ये भी बताया था कल इसको सॉल्व करके कि 12.5% 1/8 होता है। क्या ज़्यादा अब दिक्कत हो तो पॉइंट हटाओ, 0 125 से ये 8 बार में, यानी 2764 गुना 1/8, भाग दो, 8 3 24, 8 4 32, 4 5 4 8 5 40, पॉइंट फिर 8 5 40, यानी ₹345.50 उसका कमीशन होगा। तो देखें ऑप्शन सी, क्लियर है सभी को। तो क्या किया हम लोगों ने, 2764 का 12.5% कितना आ गया, 34.5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। तो क्वेश्चन नंबर दो क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो 12.5%, 2764 गुना 12.5/100, पॉइंट हटा, नीचे जीरो आया, 125 से 8 बार में। क्या मैंने बोला था कि 12.5% बराबर 1/8 होता है, और ये आप रट लो। तो अगला क्वेश्चन है, आकाश कंटेनिंग 425 लीटर लॉस्ट 8% बाई लीकेज। कितना है, 425 लीटर है और 8% लीकेज है, मतलब लीक आउट होता है, मतलब गिर जाता है, ठीक है। तो हाउ मेनी लीटर वे लेफ्ट, तो बचा कितना, लेफ्ट मतलब कितना बचा। तो 425 लीटर वाले एक पीपे में रिसाव से 8% का लॉस हुआ, तो पीपे में कितने लीटर पानी बचे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, 425 का जब 8% गिर गया, तो एक तो तरीका है कि आप सीधा 100 में से 8 घटा दो, कितना आएगा, 92% बचा हुआ है। तो या तो आप ऐसे निकाल लो,
कि जब 8% सर लीक आउट हो गया तो बचा कितना, तो बचा 92% या 425 का 8% पहले निकाल लो, ठीक है, 25 चौका 100, 25 से ये कटेगा, 25 से कहा 25, 25 सत्य 175, 4 दुना 8, 17 दुना 34 लीटर गिर गया। तो 425 में से 34 लीटर घटा दें, कितना बचा, कि 12 से 3 9, 391 लीटर बच गया। तो दो रास्ता हो गया, या पहला रास्ता वो था, ये सेकेंड वे है, दूसरा रास्ता, सेकेंड रास्ता। पहला रास्ता क्या था कि 8% लीक हो गया तो सीधा 92% लिख लीजिए और 425 गुना 92 बटा 100 इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 391 लीटर। क्या 425 का ये दूसरा मेथड, 8% लीक आउट तो 8% निकाल लो और 425 से 34 घटा दो। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, यानी हम लोग को क्या ध्यान देना है कि टोटल 425 था, 8% निकल गया तो बचा कितना परसेंट, 92%। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एट एन इलेक्शन वेयर देयर वेयर टू कैंडिडेट्स ओनली, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, द कैंडिडेट हु गेट 62%, देखो ध्यान देना 62%, एक को मिला 60, टोटल अगर 100 है और एक को 62% मिल गया तो 100 में से 62, देखो कहे या न कहे टोटल मतलब 100%, पहले वाला मतलब 100%, अगर कहीं पे पहले वाला मूल्य निकालना है, पहले वाली जनसंख्या निकालनी है, मतलब आपको 100% निकालना है और टोटल 100% होता है। तो एक को 62% मिला और इज इलेक्टेड बाई अ मेजोरिटी ऑफ 144 वोट, यानी 144 वोट से जीत गया। तो देखो चाहे वो केस ऐसा हो कि जीत गया या केस ऐसा हो हार गया या अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, तो ये सेम बात हो गया, दोनों का अंतर। अब जब दो ही कैंडिडेट है तो दो कैंडिडेट है, जीतने वाले को क्या मिला, जीतने वाले को 62% मिला, तो हारने वाले को क्या मिलेगा, हारने वाले को तो 100 में से 100% में से 62% घटा दो 38%, यानी जो जीता उसको 62, जो जीता उसको 62%, जो हारा उसको 38%। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने परसेंट वोट से वो जीता, सॉरी कितने वोट से वो जीता। तो यहाँ क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ 144 के बहुमत से चुनाव चुना जाता है या उसका सिलेक्शन होता है, तो 38 जो जीता उसको 62%, जो हारा उसको 38%, तो दोनों का अंतर, तो 62 में से 38% घटा लो बराबर 24%, यानी 24% से जीता। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि यह जो वैल्यू है 144 वोट से जीता, तो कितना परसेंट से जीता वो निकाल लो, 24% से जीता, यानी पढ़ने के साथ जो जीता उसको 62%, तो जो हारा उसको 38%, दोनों का अंतर 24%, और ये 24% बराबर है 144 के, 144 वोट से जीता और परसेंटेज में कितना से जीता, 24% से। तो यहाँ पे पूछ सकता है हारने वाले को कितना मिला, तो सीधा 38%, टोटल कितना, तो 100%, यानी यहाँ सबसे पहले तो 1% बराबर सोच लेना कि 144 बटा 24, अगर ये पूछ रहा है कि टोटल बताओ तो 100% बराबर, 100
100% बराबर 144 बटा 24 गुना 100, इससे ये 6 बार में कट गया 600। देखो टोटल टोटल वोट का अर्थ ही हो गया 100%। टोटल वोट मतलब 100%, समझ में आ रहा होगा। ए, अब शॉर्ट में इसी चीज को हम लिखते हैं, देखते हैं कि कैसे। देखिए जो जीता उसको 62%, तो जो हारा उसको 100 माइनस 62 यानी 38%। कितने परसेंट से हार गया, तो 62 माइनस 38 यानी 24% से हारा, और ये बराबर दिया हुआ है 144, तो 1% बराबर 144 बटा 24, तो 100% बराबर तो 144 बटा 24 गुना 100। अच्छा अगर ये टोटल पूछ रहा है ना तो 100%, अगर कहता नहीं हारने वाले को कितना मिला तो 38% बराबर कितना, तो 100 बटा 24 गुना 38%। कहता नहीं जीतने वाले को कितना मिला, तो देखिए ध्यान से जो जीता था उसको 62% मिला है, मिला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 144 बटा 24 गुना यहाँ 62 होता, 62% निकालते। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से एक बार दो बार देखना, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3-4, क्वेश्चन नंबर 4, इसी चुनाव में जहां केवल दो उम्मीदवार थे, जिस उम्मीदवार को 43% वोट मिला उस वह 420 मतों से खारिज कर दिया गया, मतलब 420 मतों से हार गया। एक को कितना मिला 43, ऐसे भी जान लो बराबर होता तो 50-50%, इसको 50% से कम मिला यानी ये हार चुका है, 43 है, तो जो जीता उसको कितना, तो 100 में से 43 को माइनस कर लो, तो यहाँ हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 43%, तो जीतने वाले, देखो ये सब लिख के बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका मैथ्स ज़्यादा गड़बड़ है कुछ दिन ऐसे बनाना, जीतने वाला को क्या मिला, तो 100 में से 43 माइनस कर लिया और ये आ गया 57%। ध्यान देना हम लोग अभी स्पीड की बात नहीं कर रहे, पहले क्वेश्चन समझ में आएगा तब तो स्पीड की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे समझना है, पहले वो ध्यान देना है। तो जो हारा 43, जो जीता 57, अब बताओ दोनों का अंतर कितना, तो 57 माइनस 43, या कहेगा ये कितना से जीता तो भी 57 माइनस 43, या ये कहेगा ये कितने परसेंट से हारा तो भी 57 माइनस 43, तो अंतर कितना है, अंतर 57% माइनस 43%, तो ये आ गया 14%, और ये 14% बराबर है कितना, तो 420 वोट, तो 100% कितना, अगर टोटल पूछे तो 1% मन में सोच लेना, 420 बटा 14, ये तो 1% होगा ही, एक तो आपको तुरंत सोचना है, जब 14% 420 तो 1% 420 बटा 14, तो 100% तो इंटू 100, 14 से ये 30 बार में, देखो तो एन से कितना आया 3000 वोट, तो 3000 में टिक लगा दो, फिर से देखे तो हारने वाले को क्या मिला 43, जीतने वाले को क्या मिला 57, कितने परसेंट से हारा तो 14% से हारा, और ये 14% बराबर कितना है 420 वोट है, तो 100% कितना, क्लियर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। अगला क्वेश्चन है कि यदि आमों की निश्चित संख्या का 17% 1360 के बराबर है, 17% 1360 के बराबर है, यानी 17% बराबर है 1360 के, तो आमों की संख्या पूछ रहा है, यानी कुल आम की संख्या मतलब 100%, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि 17% बराबर है
1360 मैंने क्या बताया, हर बात 1% अपने मन में सोच लो कैसे लिखना है, तो 1360/17। और अगर 100% पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 1360/17 × 100, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 80 बार में कटा यानी 8000। देखो यहाँ दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आमों की कुल संख्या, यहाँ आमों की ये मान लो कि कुल संख्या है, ऐसा भी पूछ सकता था 17% 1360 है दिया हुआ है तो बचा हुआ आम कितना है, तो बचता 100 में से 17 घटाते, क्योंकि परसेंटेज में टोटल 100 होता है, 100 से 17 घटाओगे तो 83%, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है। पूछ क्या रहा था, 17% दिया हुआ है, 100% निकालना है। परसेंटेज मेथड में हम लोग को यही सीखना है कि पहला लाइन वो लिखो जो गिवन है और दूसरा लाइन वो लिखो जो निकालना है, तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, 6 नंबर, क्या कह रहा है 6 नंबर, आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी अ लेडी हैज रुपीज 93 लेफ्ट, उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया, 69%, और बचा हुआ है कितना, 93। तो खर्च कितना किया, 69, और ये बचत है तो इसको भी परसेंटेज बचत बना लीजिए। ये परसेंटेज बचत कैसे होगा, तो 100 में से 69% को घटा लो तो ये 31% ये बचत है, और यही 31% बराबर दिया हुआ है 93 के, क्योंकि यह वैल्यू अगर परसेंटेज है तो ये भी परसेंटेज होना चाहिए। देखो 93 लेफ्ट, उसके पास 93 रुपए बचे हैं, और तब जाकर के लिखेंगे कि सर 31% और ये बराबर है रुपीज 93। तो क्या पूछ रहा है, पहले उसके पास कितना था, पहले वाला जब भी पूछेगा 100%, लेकिन निकालेंगे कैसे, 31% 93, 1% मन में सोचना है 93/31, तो 100% 100, 31 है 3 बार में, आंसर कितना 300। यानी क्वेश्चन में क्या गिवन था, 31%, और वो कितना था 93, वो बचत है तो वो भी बचत, क्लियर, और टोटल पूछा तो 100%। अगर क्वेश्चन पूछता कितना खर्च किया तो क्या करते, तो यहां लिखते 69%, क्योंकि उसने खर्च तो 69% किया, क्या ना, खर्च कितना कर रहा है 69%। अगर पूछता क्वेश्चन में तब, नहीं पूछ रहा है तो वैसे ही निकाल दो, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखे, किसी संख्या का 44% बराबर है 275 के, 44% बराबर है 275, तो 64% कितना है, क्या लिख सकते थे कि सर 44% बराबर है 275 रुपीज 275, फिर क्या सोचेंगे मन में, 1%। हम लोग ये जान रहे हैं कि ये जिसका ये परसेंटेज जिसका वैल्यू उसी का, नहीं तो क्वेश्चन ही कह दिया कि 44% बराबर है इसके, तो 1% सोचो, तो 275/44, तो क्या पूछ रहा, उस संख्या का 64% यानी 64% क्या करेंगे, 275/44 तो लिखेंगे ही गुना 64, 11 से कटेगा 4 बार में, 11 × 22, 11 × 55, 4 × 16, 25 × 16, 400, सिंपल दे दिया था। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, चावल का मूल्य 25% बढ़ रहा है, तो वृद्धि 12 रुपया है, देखो ये भी वृद्धि है और ये भी 25% की वृद्धि है, तो ऐसे लिखते
25% बराबर ₹12। अब 25% वृद्धि हुआ, देखो ओरिजिनल हमेशा 100% होता है, अगर 25% बढ़ा तो क्वेश्चन पूछ सकता है अब कितना, तो 100 जोड़ 25 तो 25%, अगर 10% बढ़ता तो 110%, अगर 5% घट जाता तो 100 से 5 घटा देते 95%। क्लियर? 20% घट जाता तो अब कितना, तो 100 में से 20 घटाते 80%। क्यों? क्योंकि पहले वाला तो हमेशा 100 होता है। अब देखो जब 25% बराबर है 12, तो पर चावल की नई कीमत पूछ रहा है, यानी जब 25% बढ़ा तो नई कीमत, नई कीमत, और ये क्या था, वृद्धि, वृद्धि 25% तो 12 रुपया, तो 125% 12 बटा 25 गुना 125, 25 से ये 5 बार में 12 बचे 60 रुपया। ओरिजिनल पूछता, पहले वाला पूछता तो 100% लेते, लेकिन क्या कह रहा है, नया कीमत, तो नया कीमत यानी 25% बढ़ा तो नया कितना हुआ, 125%। क्लियर है? घर पे सारे क्वेश्चंस को रुक करके पॉज करके देखना, नोट भी करना, समझ में नहीं आए तो कमेंट भी करना, दोबारा पूछना, मैं वैसे क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा, ठीक है? लेकिन यह डर हटा दो कि हमारा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं होगा, अब मैथ्स सबका अच्छा होगा, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी एक परीक्षा में उपस्थित हुए, कौन कौन उपस्थित हो रहा है, ए और बी, उनके अंकों का अंतर, जो मार्क्स आया ना उसका अंतर कितना है, 35 है, और उनके अंकों का प्रतिशत अंतर, देखो मार्क्स का अंतर 35 और प्रतिशत अंतर 7, तो अंतर सीधा लिख ले कितना, तो ये 7% और ये बराबर है कितना, 35 के, तो पूर्ण अंक पूछ रहा है, यानी पूर्णांक, यानी टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स इसी को कहा जाता है, मतलब 100%। तो पहले मैंने क्या बताया, 1% सोचेंगे 35/7, तो 100% सोचेंगे, आंसर कितना आ गया, 500। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, दैनिक वेतन में 30% की वृद्धि हुई और एक व्यक्ति को अब 26 रुपया प्रतिदिन मिलता है, अब मिलता है, अब यानी बढ़ने के बाद, तो बढ़ने के बाद प्रतिशत कितना मिलता है, अब तो 100% तो पहले था, 30% बढ़ा तो अब 130% हो गया, तो क्या ढूंढना है, अब 26 रुपया तो अब परसेंटेज, अब परसेंटेज कितना, तो 100 जोड़ 30 130%, और यही इक्वल होगा कि 130% बराबर ₹26। तो एक पर सोचते हो, एक पर क्या होगा, तो एक पर होगा 26/130, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, वृद्धि से पहले कितना था, तो पहले तो 100% था, तो 100% कितना, तो गुना 100, एक जीरो यहाँ कटा, 13 दुना 26, 10 दुना 20 रुपया। धीरे धीरे हम लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन जो जीरो लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से देखेंगे, टर्म्स पे ध्यान देंगे क्या कह रहा है, ठीक है? तो यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं।